ये हमारे सामने 32 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम था पिक्चर को लेकर था। पिक्चर में क्या होता था कि कभी नेगेटिव पिक्चर आता था, कभी जो है इसमें कलर के कुछ प्रॉब्लम थे, यानी पिक्चर में जो है नेगेटिव पिक्चर समझ लीजिए इसे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे LVDS केबल चेंज किया गया। केबल चेंज करने के बाद पिक्चर पूरी तरीके से परफेक्ट आ गई, यानी विथ कलर। उसके बाद बहुत देर चलने के बाद फिर दोबारा जो है ये फिर एक प्रॉब्लम आया, और फिर इस कनेक्टर को, यानी यहाँ से अगर LVDS केबल को निकालते हैं और इसे फिर दोबारा लगा देते हैं तो फिर पिक्चर जो है सही आ जाती है। लेकिन फिर इसे जो है कुछ देर बाद या एक दिन बाद जो है ये फिर प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो है ये LVDS फीमेल सॉकेट जो है, ये जो LVDS यहाँ पे लगा हुआ है ये सॉकेट, इसे हमने जो है यहाँ से रिमूव कर लिया है पीसीबी से, स्केलर पीसीबी से। अब स्केलर पीसीबी से इस सॉकेट को हम, यानी इस LVDS फीमेल सॉकेट को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। इसके जगह पे हम एक दूसरा सॉकेट लगा देंगे स्केलर पीसी निकाल कर, ठीक है। ये आज मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब इसमें LED टीवी में पैनल पे प्रॉब्लम आता है क्रॉस बार को लेकर, जैसे वर्टिकल या जो है वर्टिकल लाइन या जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो क्रॉसिंग होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की, या कभी कभी जो है कभी आ जाना लाइन, कभी गायब हो जाना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम इस कनेक्टर से भी होते हैं। जैसे आपने कई भी पुराने टीवी में देखे होंगे LCD में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे कार्बन आ जाने से भी होता है यहाँ से। और ये अगर आप चेंज कर दिए तो अंदर भी इसके जो है ऑक्साइड जम जाते हैं, जो कि ये आपको चेंज ही करना या तो फिर साफ़ करने से भी सही हो जाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं क्योंकि कभी कभी हम पैनल पे बहुत सारे ऑपरेशन कर देते हैं तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से जो हम ट्रैक को कट ऑफ करके और उसके प्रॉब्लम को ज़बरदस्ती सॉल्व करते हैं तो उसमें पिक्चर की क्वालिटी भी परफेक्ट नहीं रहती, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे रहता है। अगर हम स्टार्टिंग पे इस चीज़ को चेक करें तो हमको प्रॉब्लम यहीं पे रीड आउट हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप DSO से LVDS के जो भी सिग्नल आ रहे हैं, चाहे वो 5 पेयर के हों चाहे 10 पेयर के हों, अगर यहाँ पे जो भी सिग्नल ए प्लस माइनस के कलर हैं या क्लॉक हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को हम इसके जो ग्राफ बार हैं ये LVDS सिग्नल के, उसको हम DSO पर देखकर यहाँ पे परफेक्ट तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा ये आने वाला सिग्नल ओके है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर जो भी सिग्नल इन हो रहे हैं, अगर ये परफेक्ट तरीके से यहाँ नहीं आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ये हमारा कनेक्टर और LVDS केबल से रिलेटेड है। अब केबल में क्या है, केबल में यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर पुराना है यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसका भी एक सॉकेट है यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से आउट होने वाला जो सिग्नल है LVDS और यहाँ तक पहुँचने वाला है स्केलर PCB तक, यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसको स्टेप बाई स्टेप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर करने के बाद ऐसे इसे लगा दें, और लगाने के बाद यहाँ ऊपर देख लें जो वायर निकले हुए हैं, यहाँ पे भी DSO से देख सकते हैं। यहाँ अगर परफेक्ट सिग्नल आ रहा है तो सीधे आप यहाँ पे चले आएँ, और यहाँ पे भी इसे ओपन करके परफेक्ट सिग्नल यहाँ पर देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद ऐसे लगा दें, यानी यहाँ पर, ये यह हमने केवल एग्जांपल लिया है, ऐसे यहाँ पर लगा दें। इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट सिग्नल आना चाहिए। अगर सिग्नल ओके है उसके बाद पैनल में लाइनिंग या अदर कोई सिम्टम दिखाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तब वो पैनल से रिलेटेड यानी स्केलर PCB या टिकॉन से हमारा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि यहाँ से भी कुछ ऐसे सिम्टम बनते हैं कि जिससे लगता है कि हमें पैनल ख़राब है, और पैनल फॉल्ट नहीं होते। उसके लिए हम कई ट्रैक काटते हैं या उसे वहाँ पर रिटर्न कर देते हैं कि रिपेयरेबल नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें क्लियर देख लें तो फिर उसके बाद एक्शन लें। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकाले हैं,
और निकालने का जो मेथड है, हम यहाँ पे एक नाइफ़ का यूज किए हैं। और नाइफ़ से क्या किए हैं, स्टार्टिंग में जैसे ये यहाँ पे जॉइंट है, यानी दोनों साइड में ये यहाँ पे, तो इसको हमने सबसे पहले ऐसे हल्का सा यहाँ से नाइफ़ से इसे अलग कर लिया, ठीक है, दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पे ऐसे हमने जो है डिसोल्डिंग वायर यहाँ से यहाँ तक लगाया। लगाने के बाद आयरन ऐसे ऐसे चलाए और ये जो है नाइफ़ से ऐसे इसे ओपन करते हुए ऐसे सीधे इसे निकाल लिया। अब निकालने के बाद हम यहाँ पर लगाते हैं। अब इस पॉइंट को ऐसे हम साफ़ कर लेंगे। एक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये वाइट वाला। ऐसे से क्लियर कर लेंगे और क्लियर करने के बाद यहाँ पे ऐसे ट्रैक को मिला लेंगे जितने भी पिने हैं, और पिनों को मिलाने के बाद लाइन से ऐसे। अब स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इसके साइड में, दोनों साइड में अभी हम जॉइंट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले इसे जो है जॉइंट कर देंगे, सोल्ड कर देंगे दोनों साइड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब सोल्ड करने के बाद इसे थिनर से साफ कर लेते हैं। और साफ करने से पहले यहाँ पर देखें ऐसे इसे उठा लेंगे और इस सॉकेट को, जो भी सोल्डिंग लगा हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है, उसे बहुत साफ से यानी क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद जो है LVDS केबल को यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अभी से ऑन करते हैं टीवी को। ये देखिए यहाँ पे LED लग गई और इसको ऐसे प्लट कर देखते हैं। देखिए ओके है, ठीक है, पहले ये कलर नहीं आ रहा था। यहाँ पे HDMI शो हो रहा है, ठीक, ATV ओके हो गई। अब यहाँ पे इसकी जॉइंटिंग को हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए पूरी क्लियर दिख रही है, एक एक पिन जो ये जॉइंट हुआ है, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से इसकी सोल्डिंग की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले इस साइड में और इस साइड में, उसके बाद एक एक पिन को मिला के, उसके बाद फिर यहाँ से सोल्डिंग आयरन के द्वारा भी आप इसे सोल्ड कर सकते हैं। इस सॉकेट को आप 2-3 मेथड से सोल्डिंग कर सकते हैं। एयर ब्लोअर के द्वारा भी सोल्ड कर सकते हैं, आयरन से भी सोल्ड कर सकते हैं, और इसके नीचे हीट प्लेट डाल के भी इसे सोल्ड कर सकते हैं। तो यानी आपका जो भी, जैसे भी टूल्स अवेलेबल हो या जो भी तरीका हो, इसे सोल्ड कर सकते हैं कई तरीके से। यहाँ पर हमने जो है केवल सोल्डिंग आयरन से इसको सोल्ड किया है।